जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। जनाब उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैंने जनाब आज आप लोगों को विज़िट करवाना है DHA गुजरांवाला के विलास, ठीक है, और सारा आपको जनाब जाके दिखाते हैं। तो उतना पहला तो अपना रिक्वेस्ट है कि चैनल नू जरूर सब्सक्राइब कर लो, पेज नू भी लाइक कर लो, बैल आइकन भी प्रेस कर लो, अभी जिते जिते हैं वहाँ सानू फॉलो कर लो। ये दिखाओ जनाब, ए जनाब इहदा पहला गेट है, ठीक है, ये सीधा तुहाडा मेन बुलेवार्ड है 200 फीट का। DHA गुजरांवाला दे मेन रोड के उत्ते GT रोड ते असी इस टाइम असा कैंड क्रॉस किया तो टूवर्ड्स असी वजीराबाद आ GT रोड के उत्ते DHA गुजरांवाला दे दो गेट्स ने, ठीक है, टोटल दो गेट्स ने। एक है जिहड़ा मेन बुलेवार्ड तो मैं दूसरा हो जिहदे तो एंटर होंदे सानू विलास मिल जाते हैं, ठीक है। तुसीं नाल वेख सकते हो इस पासे रखो जी कैमरा, यह तुसीं वेख सकते हो सॉल्ट एंड पेपर तुसीं क्रॉस करना है, बिल्कुल नाल ही जिहड़ा तुहाडा DHA गुजरांवाला का गेट नंबर 2 जिहड़ा है बने हुआ है। इतों विलास की जी मैक्सीम कह लो कि 100 to 200 फुट के फासले के उत्ते तुहानू जनाब मिल जाते हैं। ए वेख लो ए दूसरा गेट बन रहा है, यदि कंस्ट्रक्शन जी स्टार्ट हुई है थोड़े सामने। ए देखो ए सामने कमर्शियल भी स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल है विलास आ गए ने DHA गुजरांवाला दे फ्रंट दे उत्ते 10 मरले दे विलास ने, ठीक है। ए तुम आओ फ्रंट दे जनाब 10 मरला दे विलास ने जो तुसी वेख रहे हो। अच्छा मैं तुहानू एक होर गल दसदा चलां, ए साइड वेंदे हो पे ए बिल्कुल साइड जिहड़ी इहना पदरी कीती होई है, इत्थे रूट स्कूल आ रहा है, ठीक है, ए रूट्स दी जगह बिल्कुल विलास दे ओपोजिट है। रूट स्कूल जिहड़ा है ओह बनना है, ਇਹਦੀ ਅਰਥ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ 8 ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਲਾਸ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ 5 ਮਰਲਾ ਦੇ 6 ਮਰਲਾ ਦੇ ਵਿਲਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ DHA ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ DHA ਅਗਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪੁਜ਼ੈਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਪੁਜ਼ੈਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜ਼ੈਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਲੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਹੇ 5 ਮਰਲਾ ਦੇ ਵਿਲਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਵਿਖਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮਰਲਾ ਦੇ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਛ ਸਟਰੀਟਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,
लेबर की काफ़ी तादाद जी है वो काम कर रही है, एंड तक भी तुम वेखोगे तो तैयार कर रहे हैं। हूँ वो सामने विखाओ जनाब, जनाब सामने जेडे जे वो छे मरला के विलाज ने, ठीक है। उन्होंने दूसरा दूसरा लेंटर जो पै गया, यह दरम्यान के अंदर पार्क बन रही है, तुम विखाओ पार्क से भी काम चल रहा, ठीक है। ये अंदर तुसा अज तुम मैं विलाज का विजिट करवा दिता है, कैमरा इस पास रखी देखो, ये तुहाडा फ्रंट एलिवेशन है पांच मरले के विला का, पांच मरले के विला का फ्रंट एलिवेशन है। फिर उन्होंने बाद गली ऐसी जिसे सारे घर सीमेंट वाली स्टेज पर पहुँच चुके हुए ने, इतने हम सीमेंट होना है तो सारा वेखो लेबर हर गली च लगी है। डी एच ए अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं जी, तो बाकी जी तुम यह गल कह रहे हो कि मार्च के सारे का कब्जा मिल जाएगा, वो गल झूठ है। जून तो जुलाई मैं एक्सपैक्ट कर रहा, जून तो जुलाई पै जानी है तो फिर ही जड़ा ना काम होने ने। पांच मरले वाले की ना स्पीड बहुत खिंची, छे मरले वाले विलास की भी स्पीड काफ़ी है, कंप्लीशन की तरफ अपने जा रहे हैं। तो दस मरले वाले मैं थोड़े जहा स्लो लगे ने, तो दस मरले वाले के जेडे विलास ने देखो ना, यह देखो दस मरले वाले विलास जरा स्लो ने, यह वेखो पहला पहला लेंटर है जो इन्हों का पे है। इन्हों मेरे ख्याल पहला बनने चाहिए हैं क्योंकि फ्रंट तो जोड़ा बंदा होंगे उन्होंने एक लुक अच्छी जाती है, तो ये जो तुम आखो मार्च कंप्लीट हो जाते गल नहीं होनी है, इन्होंने थोड़ा टाइम लगना है। जेडे दस मरला के खास तौर पर दस मरला वाले विलास अभी थोड़े सामने वेखो, इतने पै गए, दूसरा लेंटर पै गया, इस घर का पै गया, इहदा भी पै गया जी, काफी हद तक जेडे ने हुण इत्थे हुण इह अगले घरां दा लेंटर पैना है। दस मरले वाले विलाज जनाब थोड़े स्लो ने, पांच मरले की छे मरले की स्पीड बहुत अच्छी है। तो हूँ जनाब आ जाओ, तुहानू उहना इह कमर्शियल विखाए जी, एक मिनट ठहर जाओ जनाब, तुहानू इह कमर्शियल भी विखा दिंदे आ। इधरों जनाब डी एच ए गुजरा वाला सीजेड वन कमर्शियल जोन वन ने जो विलाज न लगता है, वह भी तकरीबन अपना फर्स्ट फ्लोर सैकेंड फ्लोर तक पहुँच गया। तो हूँ असं जनाब डिस्कस करने हैं इन्हों प्राइसिस, हूँ मैं वो गल नहीं कराँगा कि जनाब इन्ना ऑन चल रहा है इन्ना हो रहा है, मैं क्योंकि टोटल पेड हो चुके ने, 10 जनवरी 2024 नू इन्हां दी टोटल इंस्टॉलमेंट्स पे हो गई ने। हूँ ये अंदर तुहानू पांच मरले का जिहड़ा विला है वो 1,40,00,000 रुपए का मिल रहा है। हूँ तुसी कहोगे कि जनाब इहदी 1,25,00,000 प्राइस सी, तो जिहड़ा वो ऑन मंगते ने ना, ऑन जिहड़ा मंगते हैं आंदे हैं पांच मरले तो इन्ना चल रहा है तो छे मरले तो इन्ना चल रहा है, अगर तुसी 1,15,00,000 रुपया तुसी ऐड करोगे तो वो तुहाडा जनाब 1,40,00,000 बन जाएगा। दिस मीनस कि 1,500,000 रुपया ऑन दे उत्ते पांच मरले का विला, 1,40,00,000 का तुहानू यह मिल रहा है जिहड़ा है पांच मरले का घर। इहदे अंदर 3 बैडरूम ने, ठीक है, पांच मरले के घर के अंदर 3 बैडरूम ने। फिर उन्होंने बाद जिहड़ा 6 मरले का घर है उहदा ऑन तुसी कह लो कि 2,30,00,000 रुपया, तो 1,40,00,000 दे विच तुसी अगर 2,30,00,000 ऐड करोगे तो 1,63,00,000 बन जाएगा। डिमांड ए वे कि उहदी 1,65,00,000 डिमांड करते हैं, तो वह तुहानू जनाब जिहड़ा मिलता है जिहड़ी अवेलेबिलिटी है वह एफर्ट करके तुहाडी कह लो कि 1,65,00,000 वो डिमांड करते हैं तो 1,62,63,00,000 से तुहाडी गल बन जाती जिहड़ा तुहाडा 6 मरले का विला है। तो 6 मरले के विला के अंदर 4 कमरे ने, ठीक है, पांच मरले तू 6 मरले तो जो तुम जाते हो एक मरला जो वध रहा कमरे की सूरत वध रहा कि ये अंदर 4 कमरे ने। फिर जो 10 मरले का विला है ये जनाब तुहानू 2,00,00,000 तो तकरीबन 60,00,000 वो डिमांड करते हैं। 2,60,00,000 का मतलब है भी कि 2,25,00,000 वो प्राइस सी टोटल, तो वो अंदर तुम कह लो कि
30 लाख रुपया अगर ऐड कर दो 55 सॉरी 255 30 लाख रुपया और डिमांड करते ने ते पॉन ते ओ तो अनुजेड़ टोटल कॉस्ट कर दे ओ तो अनु तकरीबन कह लो के 255 तक ते तो अनु 2.5 तक मिल सकता है अगर एफर्ट कीती जाए ते 2.5 करोड़ रुपए दा तो अनु 10 मरले दा बनिया बनाया कार ते 10 मरले दे कार दे अंदर 5 कमरे ने टोटल ठीक है इधर टोटल 5 कमरे ने 156 फीट दा ए रोड है जेड़ा विलास दा ठीक है हूँ ए मैं तुम दसना चला ए जी पट्टी है रोड तो परले पास वाली पार्किंग तो नजर आ रही होगी थोड़ा जूम करके पार्किंग दिखा रहे वो वाली पार्किंग ए पार्किंग भी कमर्शियल्स की है उन्होंने बाद ए पार्किंग भी कमर्शियल्स की है इस पास भी कमर्शियल्स ने ठीक है ए सारी जी थी इस 156 फिट की रोड के उत्ते भी कह लो कि कमर्शियल आते हैं तो स्कूल भी थोड़ा इतने वे रोड स्कूल जरा बन जा रहा वह भी इस रोड के उत्ते वे फिर यह सारी जी सीधी रोड है ये थोड़ी जा के सी ब्लॉक के नाल अटैच होनी करनी है ठीक है ये थोड़ी सीधी सी ब्लॉक के आनी है एली रोड जी फ्रंट तो तुम देखोगे ये थोड़ी सीधी सी ब्लॉक के आएगी फिर उन्होंने बाद अज असीं कंपेयर कर लैने प्राइसिस के नाल कि कंपैटीटर कौन ने डी एच गुजरांवाला दे विच बेसिकली अगर फ्यूचर की गल करो तो कोई कंपैरिजन नहीं है इनिशियली असी कंपैरिजन दे विच अगर आने तो जनाब 5 मरला दे घर तुहानू ना कैंट च मिलने ने ते डीसी कलोनी च मिलन दे उत्थे जिहड़ा इस टाइम नवा फ्रैश घर है उस 2.25 करोड़ रुपया डिमांड है 5 मरले के घर की तो वो कंपैरिजन अगर तुम इनू वेंदे हो कि तुम्हें 140 का मिल रहा है तो मेरे हाल ना एक बहुत अच्छा प्राइस गैप है जोड़ा बंदा इनवैसमेंट वास्ते भी लेना चाह रहा है उन इन्हों के एक्सपैक्टेड किराया मैं तुम दस देना तकरीबन 5 मरले का घर थोड़ा इतना 45 हज़ार रुपया सॉरी वो तो जाएगा रेंट पर जेड़ा तुहाड़ा 6 मरले का घर है वह तुहाड़ा 55 से 60 दे राउंड अबाउट किराए पर चढ़ेगा फिर उन्होंने बाद जेड़ा कोई 10 मरले का अगर तुम ये इन्वेस्टमेंट कर दियो तो वह तुहानू तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया 70-70 हज़ार रुपए तो वह रेंट आउट हो जाएगा अगर तुम इन्वेस्टमेंट नॉर्मली वेखना चाहते हो कि किराए की सूरत वेंदे हो तो फिर भी अच्छी ऑप्शन है अगर तुम इनू एज आ कंपैरेटिवली बिजनेस के मॉडल वेंदे हो फिर भी बहुत अच्छा है कि यह 5 मरले के घर के तकरीबन कह लो कि कुछ भी नहीं है तो 70 से 75 लाख रुपए का एक गैप है डीसी कलोनी से इन्हों विलास के मेरे ख्याल नाल एक अच्छी ऑप्शन है अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर दे कंप्लीट हो तो इनशाला रेट आप ही तुम्हें पता लग जाएगा कि इन्हें किस तरह जंप किया बाकी कोई भी डिटेल्स तुम मजीद चाहिए हो किसी भी किस्म दियाँ तो जनाब मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा होना है तुम मेरे नाल डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके तो असी एक तुम कोई भी कंसल्टेंसी रियल स्टेट के रिलेटड चाहिए हो डी एच ए गुजरांवाला के रिलेटड चाहिए हो तुम मैंने कॉल कर सकते हो तो अलहमदुल्ला बहुत जनाब शानदार किस्म का गेट बन रहा मेरा नंबर थोड़े को जनाब आ गए तो कोई भी सेल या परचेज तुसा डी एच ए गुजरांवाला करनी है तो जनाब 92 रेजिडेंस मेरी कंपनी है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है डी एच ए गुजरांवाला के काम करने वाला तो एक ब्रांड है अलहमदुल्ला असं मेहनत करी दी है तो कोशिश यही करी दी है कि तुहानू अच्छे तो अच्छा मशवरा भी देिए तो अच्छे तो अच्छे रेट्स के उत्ते परचेजिंग भी करवाइए तो जे तुहां सेल भी करनी है तो अच्छे तो अच्छे रेट तो अं सेल भी करिए दोबारा सुजीटी रोड पर आ गए हैं तो एट दी एंड चैनल सबसक्राइब कर लो पेज में लाइक कर लो बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो थोड़े तक पहुँचती रहे मैं इजाजत दे आ जाए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़।